इते अहम मामले जो जिक्र क्यों था। सीनियर कानूनदान यूसुफ लगारी पाकिस्तान बार काउंसिल के सेक्रेटरी के खत लिखो है जैमें यो चाह त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खिलाफ साजिशू क्यों पी वन संदस यो चवण तो हू भी पाकिस्तान बार काउंसिल जो मेंबर है पर उनकी मौजूदगी में खत लिखो वो है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उनकी गैर मौजूदगी में खत लिखो वो है जैमें यो चो त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के यो खत लिखो वो है जैमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खिलाफ जी दाखिल पेटिशन्स उन्होंने जल्द बुधनी करण लाइ है। यूसुफ लगारी तरफा जो खत लिखो वो है पाकिस्तान बार काउंसिल के सेक्रेटरी के उनमें यो वो है पैरियां पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख के सुप्रीम कोर्ट जो जज बनाने की हिमायत कई हुई। बाद में यो मौके तब्दील छो पो इन ही असिक गाल बोल क्यों था। सीनियर कानूनदान यूसुफ लगारी साहब टेलीफोन लाइन से मौजूद है। यूसुफ लगारी साहब अवा वरी मेहरबानी टाइम यूज के वक्त देने सब का पैर अवा पाकिस्तान बार काउंसिल के सेक्रेटरी के यो खत लिखो है छा जानायो है अवा पाजे खत में पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेस रिलीज आयो है जेमे चयो है त पाकिस्तान बार काउंसिल जे रिक्वे मेंबर याजर साड चीफ जस्टिस ते इल्जाम आयो है ते करे चीफ जस्टिस के नाल है सुप्रीम कोर्ट में हम तो मुझे चवे पंजी अगस्त मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव कमेटी उनमें लेटर लिखने वाली 21 जनवरी 24 नवंबर से मीटिंग थी जैमें खत के वापस वरतो वो पर हिंस कल बिना मीटिंग के बिना के एजेंडा के खत लिखी है चीफ जस्टिस के इस्लाम अली शेख की मुकररी न कई वे जैसे एतराज कर गैर कानूनी है पाकिस्तान बार काउंसिल की डोमेन ही कोई इख्तियार ही को चीफ जस्टिस के खत लिखे तो तकड़ा फैसला क्या वजन अमर शेख जज मुकर पाकिस्तान बार काउंसिल इख्तियार भी ना है यो इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वट है। उनका भी नजर अचे थी वह यह है अस ये था समझू तो जैसे सिंध बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन दो पाकिस्तान जो बार एसोसिएशनों पाकिस्तान जो सभी वकील ये चवन था सीनियर चीफ प्रिंसिपल के अमर शेख के मुकर वे जूनियर जजन के मुकर न कर वे इन हालत में जो है अड़ो किस्म की साजिश ये समझता जी सज्जादी शाह चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के अगर सिंध चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हटाए वो तो इनके सिंधी समझे हटाए पे वे तो मुझे अड़ो लेटर लिखी मोकिल बार काउंसिल के यूसुफ लगारी साहब जी हम मेंशन भी किया है तो ये डोमेन ना है पाकिस्तान बार काउंसिल जो पाकिस्तान बार काउंसिल इन का अग हिमायत कई हुई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकरर कर वे तो ये अमां छापिया समझो तो मौकिफ में तब्दीली छो आई है मुख्य समझ में नहीं है कल मैं और चीफ जस्टिस की दावत हुई उनमें इतने और मां मीटिंग से न रही सको आया पर जो सवाल है ताकि फैसले के रद्द करने लाइक जो फैसलो कर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोबारा गौर कदी उनका बार काउंसिल में एजेंडा थी लेकिन अफसोस से तो चवण पे तो बिना एजेंडा के इन मसले के रखी वही ये है। अच्छा यूसुफ लगारी साहब अवां जो खत लिखो है उनमें अगूणे जज सज्जाद अली शाह साहब जो भी अवां जिक्र किया है तो उन्होंने खिलाफ़ भी साजिशूँ थियं अड़ी तरह जस्टिस अहमद अली शेख साहब खिलाफ़ भी साजिशू थन पं इन अलावा थोड़ो यो भी बुधाए जो तो कड़ी पेटिशन्स आन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खिलाफ़ वो अपॉइंटमेंट गलत है क्वेश्चन यो है हर खाते अड़ो अपॉइंटमेंट अनवर जमाली शाह भी सज्जाद अली शाह भी फैसल अरब बेल जजन भी लाहौर हाईकोर्ट में थोड़ा सभी ये डोमिनिक चीफ जस्टिस ऑफ सिंध जो है जैसे अपॉइंट करें जैसे न करें वो सब इख्तियार है उनसे पिटिशन के वकील भी दी है जै पिटिशन के बुनियाद बढ़ाए चे तो ये न करें बो उन एतराज यो है रशीद रिजी जो हाईकोर्ट जो जज थो वो तो रिटायर कर उनके पेंशन ली गई है इनके पेंशन छोड़ ली गई है एतराज है। अच्छा अवां जो कोई खत लिखो है इन जो को रिस्पॉन्स अवां के मिलो है इन मल तई अज ही तो खत लिखो कल प्रेस कल मीटिंग थी कल प्रेस रिलीज आयो पाकिस्तान बार काउंसिल जो उनके जवाब में हिंसर ही खत लिखी मोकिलो है। अच्छा अवां यो भी लिखो था अवां पान मेंबर आयो पाकिस्तान बार काउंसिल जावां जी गैर मौजूदगी में यो लेटर लिखो वो छा एक्सपेक्ट कयो पे अवां मां के अगर मुतमईन कदर जवाब नथो मिले तो पो इन खां पो छा अलाहे अमल हुंदो अवां जो मसलो यो है
सवाल आया तो खतरे को लिखाने की सारी है मुझे ख्याल में कुछ बेर मेम्बर साहब भी मुझे गाल बोल किया और ये भी चौदह दसा इन्हें मुझे खत की हिमायत करना पर बार कलिया लिखने के लिए मैं उसूली महकूम जो कुआ पर जो पेश कर है मुझे कम उसूली महकूम पेश कर वो महकूम पेश कर मेहरबानी मां जी यूसुफ लगारी साहब अमा टाइम न्यूज़ के वक्त दिनों।